आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाउ टू ट्रीट क्लाउडी आई डिजीज। क्लाउडी आई डिजीज का किस तरह से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम राहुल, वेलकम बैक फिश एक्वेरियम हॉबी, योर एक्वेरियम चैनल। फ्रेंड्स, आप सबके मन में एक क्वेश्चन होगा, जो आपने थंबनेल पे फ्लावर ऑन देखी वो कब आई, उसके ऊपर कोई भी अपडेट नहीं थी, फिश ऐड करते हुए की कोई भी वीडियो नहीं थी। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबको क्लियर करना चाहता हूँ, वो मेरी फिश नहीं है, वो मेरे फ्रेंड की फिश है, बट अभी मेरे घर पे है, मेरे डॉक्टर टैंक में। एक्चुअली हुआ क्या था, इस फिश को क्लाउडिया डिजीज हुई, तो मेरा फ्रेंड्स काफी टाइम से परेशान था, बट ये रिकवर नहीं हो पाई थी। तो मेरे फ्रेंड्स ने मुझसे प्रॉब्लम था कि उसकी फ्लावर ऑन को क्लाउडिया डिजीज हो गया, बट वो रिकवर नहीं हो पा रही है। तो मैंने अपने फ्रेंड से कहा कि आप अपनी फिश कुछ टाइम के लिए मेरे घर पे शिफ्ट कर दीजिए, मैं अपने यहाँ पे उसका ट्रीटमेंट करूंगा। और आज वो मेरे डॉक्टर टैंक में, आज उसी फिश का हम ट्रीटमेंट करने वाले हैं। और वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे क्लाउडी आई डिजीज के रीजंस की, कि क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से हमारी फिशेस को ये डिजीज फेस करने पड़ती है। तो फ्रेंड्स, ये सारी बातें वीडियो के लास्ट में करेंगे। फ्रेंड्स, क्लाउडी आई डिजीज एक ऐसी नॉर्मल डिजीज है जो हर हॉबीस्ट ने कभी ना कभी जरूर फेस करी होगी। इस डिजीज में बेसिकली होता क्या है, फिश के आंखों के ऊपर एक वाइट सी परत जमने लगती है, जिसका अगर टाइमली ट्रीटमेंट ना करा जाए तो फिश ब्लाइंड हो सकती है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप क्लाउडी आई डिजीज का ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो आई एम श्योर वो फिश बहुत जल्दी ब्लाइंड हो जाएगी, देख नहीं पाएगी। तो इस जगह इंश्योर रहिए, अगर आपके फिश में कुछ भी ऐसे सिम्टम दिख रहे हैं, प्लीज उसे इग्नोर मत करिए, वो क्लाउडी आई डिजीज की स्टार्टिंग स्टेज है। आज मैं आपको जो ट्रीटमेंट बताने वाला हूँ वो सिर्फ 7 डेज का ट्रीटमेंट है। नॉर्मली क्लाउडी आई डिजीज से रिकवर होने में फिशेज को 10 से 15 दिन तक लग जाते हैं, जो आज मैं आपसे ट्रीटमेंट शेयर करने वाला हूं वो सिर्फ 7 डेज का ट्रीटमेंट है। विद इन 7 डेज में आपकी फिशेस 100% रिकवर हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह से हम क्लाउडी आई डिजीज का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये है वो फिश जिसका हमें क्लाउडी आई डिजीज का ट्रीटमेंट करना है। ये बेसिकली एक नॉर्मल ग्रेड का फ्लावर हॉर्न है और इसकी एक आंख पूरी तरह से वाइट हो चुकी है, उसकी आंख के ऊपर एक वाइट कलर की परत आ चुकी है, जिसे हम क्लाउडी आई डिजीज़ कहते हैं। इसकी दूसरी आंख बिल्कुल ठीक है, उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो हम इसी डिजीज़ का ट्रीटमेंट करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आपको ट्रीटमेंट करते हुए कुछ चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, कुछ प्रिकॉशन बरतने ज़रूरी हैं। सबसे पहला फ्रेंड्स, आपको सेपरेट टैंक चाहिए जिससे कि और फिशेस इन्फेक्टेड ना हो, और जिस टैंक में आप इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसके मीडिया में एक्टिवेटेड कार्बन, जियोलाइट, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स ये केमिकल मीडिया है और केमिकल मीडिया हमारे जो मेडिसिन हैं उसके असर को, उसके इफ़ेक्ट को बहुत ज़्यादा कम कर देता है, जिसकी वजह से हमारी फ़िश बहुत सी बार तो रिकवरी नहीं हो पाती। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, एक्टिवेटेड कार्बन, जियोलाइट, ये सब चीज़ें आपके टैंक में नहीं होनी चाहिए। और आपके टैंक में कोई भी हैवी फोर्स वाला फ़िल्टर नहीं होना चाहिए। अगर आपका डॉक्टर टैंक है तो प्लीज़ कोशिश करिए वहाँ पे स्पंज फिल्टर इंस्टॉल करने की। बहुत सी बार ऐसी सिचुएशन आती है कि फ़िश की सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती है, तो उस जगह पे अगर आपके टैंक में पावर फिल्टर यूज़ होगा जिसका हैवी फोर्स है, तो फिश रिकवर होना तो छोड़िए, वो ज़्यादा टाइम तक लाइव भी नहीं रह पाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको हैवी फोर्स का फिल्टर अपने डॉक्टर टैंक में नहीं यूज़ करना है। हम यहाँ पे 2 प्रोडक्ट यूज़ करने वाले हैं क्लाउडी आई डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए। तो हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट है बैक्टोसेफ बीएस ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबैक्टीरियल। ये रेमेडीज़ कई डिजीज़ में यूज़ की जाती है, उनमें से एक डिजीज़ है क्लाउडी आई डिजीज़। इस रेमेडीज़ के यूजेज़ हैं 1 ml फॉर एवरी 10 लीटर वाटर। आप 1 ml से 10 लीटर वाटर को ट्रीट कर सकते हो, और मेरे इस टैंक का वाटर वॉल्यूम है अप्रॉक्स 23 या 25 लीटर, तो मैं यहाँ पे 2 ml यूज़ करने वाला हूँ। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कंपनी ने खास तौर पे मेंशन करा है कि ओवर डोजेज नहीं करने हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट ऐसा नहीं कि जहाँ 1 ml यूज़ करनी है वहाँ पे आपने 4 ml यूज़ कर ली, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो इसे आप इंजेक्शन से ही कैलकुलेट करके दीजिए, जिससे कि ओवरडोज होने के चांसेस बहुत ही कम है। अगर आप नॉर्मली सी किसी भी चीज़ से नाप के देते तो वहाँ पे ओवरडोज हो सकता है, बट इंजेक्शन से नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पे मार्किंग होती है 1 ml, 2 ml, 3 ml, तो वहाँ पे एक्यूरेट होने के चांसेस 99% है। तो प्लीज़ इंजेक्शन से पुट करिएगा ये दवाई, नॉर्मली मत यूज़ करिएगा। आज हमारा पहला दिन है इस ट्रीटमेंट को स्टार्ट करे हुए, हम इसे 1 वीक तक मॉनिटर करेंगे। इसके बाद हम इसमें यूज़ करेंगे एक्वा स्ट्रेसनल। एक्वा स्ट्रेसनल यूज़ करना ज़रूरी है। मैंने यहाँ पे एक्वा स्ट्रेसनल क्यों यूज़ करा ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। एक्वा स्ट्रेसनल के यूजेस हैं 1 ml फॉर एवरी 8 लीटर वाटर। आप 1 ml से 8 लीटर वाटर को ट्रीट कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी मैं इसका 2 ml ही यूज़ करने वाला हूँ। इसे भी हम इंजेक्शन की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे।
इसके बाद हमें अपने टैंक में हीटर पुट करना है। फ्रेंड्स, अब आप सोच रहे होंगे कि गर्मी हो रही है फिर भी हीटर। देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम किसी फिश का ट्रीटमेंट करते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है टेम्परेचर फ्लक्चुएट होने से, इसलिए हमें हीटर पुट करना ज़रूरी है। और हमें हीटर का टेम्परेचर सेट करना है फ़िश की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। मान लीजिए आपके पास गोल्ड फिश है तो 26 डिग्री सेट करिए, जिससे कि 26 डिग्री से नीचे टेम्परेचर ना लो डाउन हो जाए। अभी हम फ्लावर हॉर्न का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो फ्लावर हॉर्न के लिए आइडियल टेम्परेचर है 28 डिग्री, तो अभी हमें 28 डिग्री सेट करना है, ना ही ज़्यादा ना ही कम, जिससे कि टेम्परेचर अगर लो डाउन होता है 28 से नीचे जाता है तो हीटर उसे मेंटेन कर सके। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा आज हमारा पहला दिन है, हमने बैक्टो सेफ यूज़ करा, एक्वा स्ट्रेसनल यूज़ करा, हीटर पुट करा। इसके अलावा आपको और कुछ इसमें एक्स्ट्रा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको साल डालने की ज़रूरत है, ना ही आपको टेम्परेचर इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। तो इस तरह से आपको ट्रीटमेंट करना है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या हमें इस ट्रीटमेंट के दौरान फ़िश को फूड देना है? जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल देना है, और नॉर्मल तरीके से देना है। जैसे कि आप फूड देते हैं सुबह, दोपहर, शाम या जितने भी टाइम आप देते हैं, तो आपको नॉर्मली फूड देते रहना है, फूड स्टॉप नहीं करना है। फूड स्टॉप करने से फिश के अंदर वीकनेस और ज़्यादा आ जाएगी, उसे और टाइम लगेगा डिजीज से रिकवर होने में। तो फूड नॉर्मली स्टार्ट रखिएगा, स्टॉप करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें 3 दिन तक कोई भी वाटर चेंजेस या मेडिसिन का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हम 3 दिन मॉनिटर करेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा, फिश को फूड नॉर्मल तरीके से देते रहेंगे। अब हम 4th दिन 20% वाटर चेंज करेंगे, रेमेडीज़ यूज़ करेंगे और फिश की हेल्थ देखेंगे कि कितने परसेंट रिकवर हुई है फिश हमारी डिजीज़ से। आज हमें 4 दिन हो चुके हैं ट्रीटमेंट को स्टार्ट करे हुए और फिश में इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। जो क्लाउडी आई डिजीज़ थी, देखिए फ्रेंड्स, उस टाइम पे वाइटनेस बहुत ज़्यादा थी और अब कुछ वाइटनेस कम है, विजिबिलिटी बढ़ी है, आई की विजिबिलिटी बढ़ी है, फिश रिकवर हो रही है। तो आज हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, आज हम बॉटम साइफन करेंगे, 20% वाटर चेंज करेंगे और वाटर चेंज करने के बाद रेमेडीज़ की डोजेस दोबारा से देंगे। और वाटर चेंज करते हुए बॉटम साइफन के लिए इसलिए बोल रहा हूँ जिससे कि जो हमारा नीचे वेस्ट है, अनईट फूड है, वो भी रिमूव हो सके, जिससे कि अमोनिया और नाइट्रेट का लेवल इंक्रीज़ ना हो हमारे टैंक में, नहीं तो फिश को रिकवर होने में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, बॉटम साइफन करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपका वाटर चेंज भी हो जाएगा और बॉटम साइफन दोनों काम एक ही। हम वाटर चेंज कर चुके हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे बैक्टो सेफ BS। आज भी हम इसमें सेम डोजेज यूज़ करेंगे जो हमने पहले दिन यूज़ करी थी। आज हम इसमें 2 ml देंगे, 2 ml से हम इसमें 23 लीटर वाटर को ट्रीट करेंगे। इसके बाद हम इसमें यूज़ करेंगे एक्वा स्ट्रेसनील। इसके यूजेज हैं 1 ml फॉर एवरी 8 लीटर वाटर, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। तो इसकी भी हम 2 ml यूज़ करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आज इसे 4th दिन हो चुका है, तो अब हम इसे 3 दिन तक कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, ना ही वाटर चेंज करेंगे, ना ही रेमेडीज़ का यूज़ करेंगे। 4, 5, 6 ये 3 दिन हम इसमें कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ रेगुलर फूड देते रहेंगे, जिस तरह से हम दे रहे थे अपने फिश को, तो रेगुलर फूड देते रहेंगे। और 7वें दिन देखेंगे हमारी फ़िश की कंडीशन। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि 7वें दिन तक इस डिजीज़ से हमारी फ़िश रिकवर हो जाएगी। अगर किसी वजह से रिकवर नहीं हो पाती है तो फिर हम यही ट्रीटमेंट आगे 3 दिन के लिए कंटिन्यू कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स, 7वें दिन मिलते हैं। फ्रेंड्स, आज 7वां दिन है और हमारी फ़िश ऑलमोस्ट रिकवर हो चुकी है। बहुत ही माइनर सा मुझे दिख रहा है, शायद आपको कैमरे में ना दिखाई दे रहा हो, बट बहुत ही माइनर सा है। 99% फ़िश क्लाउडी आए डिजीज़ से रिकवर हो चुकी है सिर्फ 7 दिन में, और 7वां दिन पूरा भी नहीं हुआ है। मान लीजिए मतलब कंप्लीट 6 डे में हमारी फ़िश रिकवर हो चुकी है 99%। अब हमें ट्रीटमेंट कंटिन्यू करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारी फ़िश रिकवर हो चुकी है
आपको इसी तरह से क्लाउडियाई डिजीज का ट्रीटमेंट करना है। फ्रेंड्स, मार्केट में बहुत सारे तरीके हैं क्लाउडियाई डिजीज के ट्रीटमेंट के, बट वो सिर्फ एक कह सकते हैं अनुमान है या एक तुक्का है कि होगा, बट श्योरली नहीं कह सकते हैं क्लाउडियाई डिजीज से रिकवर हो पाएगी नहीं हो पाएगी। बट जो आपको मैंने आज ट्रीटमेंट बताया ये 100% वर्क करेगा। जैसा कि आपने देखा, मैंने आपको लाइव एग्जांपल करके दिखाया कि 7 डेज में हमारी फिश क्लाउडियाई डिजीज से रिकवर हो गई। अब आप पूछेंगे बैक्टोसेफ बीएस और एक्वास फ्रेशनल कहाँ से मिलेंगे, तो फ्रेंड्स वो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, आप ऑफलाइन भी ट्राई कर सकते हैं। ऑफलाइन थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा, नहीं तो आप ऑनलाइन ले सकते हैं। अमेजोन, फ्लिपकार्ट सभी जगह ये अवेलेबल है, मैं बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाके बाय कर सकते हैं। अगर किसी को कुछ डाउट्स हो, कोई कन्फ्यूज़न हो, तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। आप इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा, सिर्फ 7 दिन में हमने अपनी फिशेस को क्लाउडियाई डिजीज से रिकवर कर लिया। इसी तरह से आपको क्लाउडियाई डिजीज का ट्रीटमेंट करना है। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको रीजन बताता हूं कि मैंने यहां पे बैक्टोसेफ बीएस के साथ एक्वास फ्रेशनल क्यों यूज कराया। एक्वास फ्रेशनल वाटर में एल्कलिनिटी को बूस्ट करता है, जिसकी वजह से फिश का रिकवरी रेट बढ़ जाता है, रिकवरी का प्रोसेस फास्ट हो जाता है। ये फिश को वाइटल इलेक्ट्रोलाइट्स प्रोवाइड करता है, जिससे कि फिश का हीलिंग प्रोसेस फास्ट हो जाता है। ये फिश के स्लाइम कोट को रिकवर करता है, जो कि एक्सटर्नल बैक्टीरियल और फंगल अटैक से फिश को सेफ करता है। फ्लावर हॉर्न एक स्ट्रेस प्रॉन फिशेज है, जो कि बहुत जल्दी स्ट्रेस में आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्वास फ्रेशनल यूज करा है। ये एम्पलीफाइड इफेक्ट से ही वर्क करता है। आपको ये दोनों यूज करना बहुत जरूरी है, जो कि फिश के रिकवरी प्रोसेस को फास्ट करता है। अब बात करते हैं रीजंस की, कि किन वजहों से हमारी फिश को क्लाउडियाई डिजीज फेस करनी पड़ती है। बैड वाटर पैरामीटर्स, जी हाँ फ्रेंड्स, बैड वाटर पैरामीटर्स ये सबसे पहला रीजन है क्लाउडियाई डिजीज का। अनप्लान्ड वाटर चेंज, कि वाटर चेंजेस प्लानिंग के साथ नहीं हो रहे। आज आपने एक हफ्ते में वाटर चेंज करा, नेक्स्ट वीक आपने 3 दिन के गैप के बाद ही चेंज कर दिया, तो ये होता है अनप्लान्ड वाटर चेंज। प्लीज इसे अवॉइड करिए और एक प्लान्ड वाटर चेंज करिए, जिससे कि आपको ये डिजीज फ्यूचर में फेस करनी ना पड़े। हमारा अगला रीजन है अनसाइकल वाटर टैंक। जी हाँ फ्रेंड्स, अनसाइकल वाटर टैंक सबसे बड़ा रीजन है क्लाउडियाई डिजीज का। अनसाइकल वाटर टैंक से बहुत सारी डिजीज आपकी फिश को इफेक्ट कर सकती हैं, जिसमें से एक डिजीज है क्लाउडियाई। हमारा अगला रीजन है टॉक्सिक अमोनिया और नाइट्रेट का इंक्रीज होना। जी हाँ फ्रेंड्स, तो इस चीज का ध्यान रखिए कि आपके टैंक में टॉक्सिक अमोनिया और नाइट्रेट एक बैलेंस लेवल में रहे, आपके टैंक में टॉक्सिक अमोनिया और नाइट्रेट का लेवल इंक्रीज ना हो, नहीं तो आपकी फिश को बहुत जल्दी इस तरह की डिजीज फेस करनी पड़ेगी। और हमारा अगला और लास्ट रीजन है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जी हाँ फ्रेंड्स, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी आपकी फिश को क्लाउडियाई डिजीज फेस करनी पड़ सकती है, तो प्लीज चीज का ध्यान रखिए। आप कहेंगे बैक्टीरियल इन्फेक्शन से किस तरह से अपनी फिश को सेव कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स इन सभी बीमारी की एक जड़ है वाटर पैरामीटर। अगर वाटर पैरामीटर ऊपर नीचे हुए तो फिशेस को मैक्सिमम डिजीज होने के चांसेस हैं, तो वाटर पैरामीटर्स पे ज्यादा ध्यान रखिए, उन्हें मेंटेन करिए, तो आपको ये सारी चीजें फेस करने को बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी। और फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा, 7 दिन में हमने फिश को रिकवर कर लिया और आज 7वां दिन है, हमारी फिश रेडी है अपने टैंक में शिफ्ट होने के लिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप क्लाउडियाई डिजीज का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आपको ये दोनों ही प्रोडक्ट यूज करने जरूरी हैं। भूल जाइए साल्ट, हीटर, टेट्रासाइक्लिन, नहीं, आप इन सभी चीजों से सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी फिश रिकवर हो जाएगी। बट जो मैंने ट्रीटमेंट बताया, आई एम श्योर ये ट्रीटमेंट करने के बाद आपको और कोई ट्रीटमेंट यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपनी फिशेज पे। इसी से ही 7 डेज में आप क्लाउडियाई डिजीज का ट्रीटमेंट कर सकते हैं किसी भी फिश का। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपको सिर्फ हीटर पुट करना है, फिश के अकॉर्डिंग टेम्परेचर सेट करना। फोन उठाइए, गूगल करिए कौन सी फिश के इसके लिए रिक्वायर्ड टेम्परेचर क्या है, वही टेम्परेचर आपको सेट करना है आपके हीटर में, इंक्रीज नहीं करना। गोल्डफिश है तो 26 डिग्री आइडियल टेम्परेचर है, अगर सिकलेट्स हैं, फ्लावर हॉर्न है, अरवाना है, तो 28 डिग्री आइडियल टेम्परेचर है। अगर इनके अलावा आपके पास कुछ और फिशेज है, तो आप एक बार फोन उठाइए, नाम डालिए, आइडियल टेम्परेचर करके सर्च करिए, आपको नीचे आइडियल टेम्परेचर दिखाया जाएगा, वो टेम्परेचर आपको सेट करना है आपके हीटर पे, देन इस ट्रीटमेंट को स्टार्ट करिए। मैं एक बार फिर रिवाइज करता हूँ, पहले दिन आपको डोजेज देनी है, फूड नहीं रोकना है, जिस तरह से फूड दे रहे हैं उसी तरह से रेगुलर फूड कंटिन्यू रखना है, पहले दिन देना है, दूसरे दिन कुछ नहीं करेंगे, तीसरे दिन कुछ नहीं करेंगे, फूड कंटिन्यू रखना है, तीसरे दिन कुछ नहीं, चौथे दिन 20% वाटर चेंज करा, देन न्यू वाटर पुट करा, फिर से वही रेमेडीज, वही वाटर कंडीशनर में दोबारा ऐड करा, फिर 7वें दिन हमें चौथा, पांचवा, छठा,
इन तीनों दिन कुछ नहीं करना, फूड कंटिन्यू रखना है। सातवें दिन जब हम चेक करेंगे तो हमारी फिश ऑलमोस्ट रिकवर हो चुकी होगी इस डिजीज से। आपके सामने लाइव एग्जांपल मैंने करके दिखाया है। तो आई होप फ्रेंड्स आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे क्लाउडी आई डिजीज को लेके। अगर कोई भी आपके मन में डाउट है तो प्लीज कमेंट करिए, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। और फ्रेंड्स आप सभी से मैं सॉरी कहना चाहता हूँ, पिछले 2 वीक से रिप्लाई कुछ लेट हो रहे हैं। एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अगर आपके साथ ऐसी कोई अर्जेंसी होती है प्लीज कमेंट मत करिए, इंस्टाग्राम पे मैसेज ड्रॉप करिए। मैं पहले इंस्टाग्राम के क्वेश्चंस का रिप्लाई करता हूँ, देन यूट्यूब कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ। तो प्लीज अगर कोई भी ऐसी अर्जेंसी है कि टाइम नहीं है, अगर मेरा रिप्लाई नहीं मिला तो फिश को कुछ भी हो सकता है। वैसे टाइमली रिप्लाई देता हूँ, बट सॉरी 2 हफ्ते से मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से आपको रिप्लाई लेट मिले थे, उसके लिए सॉरी। अगर कोई भी आपको अर्जेंसी है तो प्लीज इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, मैं जल्दी जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। और अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, मैं अपनी अपकमिंग वीडियो से रिलेटेड पोस्ट वहां पे डालता रहता हूं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे होम स्टे सेफ, जय हिंद जय भारत।